आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज ऐप। आइए ले चलते हैं खबरों की तरफ। लड़ाया जाएगा वो प्रत्याशी, आइए हम आपको दिखाते हैं प्रत्याशी। लगभग सुफियान अहमद जो है यहाँ से तय है, आइए हम दिखाते हैं। और यहाँ पे मंडल जोन इंचार्ज जो बहुजन समाज पार्टी के, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और भी यहाँ पे लगता है कि अगर सीट सुरक्षित होती है या समान होती है, उसी हिसाब से लोगों को यहाँ पे रखा जाएगा और तैयारी चल रही है। क्या प्रभारी जी, क्या ये लालगंज के टाउन एरिया वाला जो चुनाव है, क्या बहुजन समाज पार्टी कमर कस ली है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ आपके तमाम चैनल के माध्यम से। हम बहुजन समाज पार्टी और जहाँ तक टाउन एरिया लालगंज का सवाल है, इस बार बहुजन समाज पार्टी क्या मान्य बहन जी ने तय कर लिया है कि पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के लोग सभी सीटों पर, इतना ही नहीं कि नगर पंचायत के अध्यक्ष की सभासदों की सीट को भी बहुजन समाज पार्टी के झंडे तले बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्हानी पर लड़ाएंगे। और पूरे प्रदेश में एक माहौल क्रिएट हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में बहुमत से जीत रही है। और जहाँ तक लालगंज का सवाल है, हम लोगों ने लालगंज में भी आज उसी क्रम में आज ये बैठक है, हम सभी जिम्मेदार साथियों पदाधिकारियों को बुलाने का काम किया है। हमारे लोग जिम्मेदारी के साथ लगेंगे और बहुजन समाज पार्टी के नगर पंचायत अध्यक्ष को मांग करेंगे। और ये दो गांव जो बगल के जोड़े गए हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो शासन की मंशा के ग्रुप जो उनकी क्राइटेरिया रहे, जो उनके नार्म रहे, अपने आधार पर उन्होंने किया है। निश्चित रूप से जो भी गांव जुड़े हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया कन्हैया बहन कुमारी मायावती जी सर्वजनता सदस्य विभाग की बात करते हैं, इसलिए जो भी समाज के लोग हमसे जुड़ने का काम किए हमारे और इस नगर पंचायत में जुड़े हैं, सभी समाज का वोट हमें मिलेगा और बहुजन समाज पार्टी की। तो अभी लालगंज का क्लियर नहीं हुआ कि जब तक आरक्षण तय ना होगा तब तक कुछ कहना मुश्किल है। आरक्षण जो ही तय हो जाएगा, हम लोगों ने सोच लिया, सोच के रखा है, जो ही आरक्षण तय हो जाएगा हम। ठीक है।